हेलो दोस्तों, आज हम फिर से टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसमें इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन से शूट कर लेने हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं वीडियो जो आपको किस प्रकार का शूट करना है। शूट करने के बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन से उस वीडियो को एडिट करना होगा। काइन मास्टर एप्लीकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल को होम स्क्रीन पे। तो इसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद 9:16 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो हमने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किया था वो वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें साइज़ जो है यहाँ पे हमें फुल कर लेना है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। यदि आपका राइट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है वीडियो के लेयर पे। इसके बाद कैंची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद यदि लेफ्ट साइड का एक्स्ट्रा पार्ट है तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है। इसके बाद कैंची के निशान पर क्लिक करना है। इसके बाद ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो दोस्तों, ये जो है लेफ्ट साइड का भी पार्ट आपको रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें फिर से क्या करना है, लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद आपको जो वीडियो बैकग्राउंड में लगाना है वो वीडियो को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो वीडियो हमें बैकग्राउंड में चाहिए वो वीडियो को यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस वीडियो को हमें फुल साइज कर देना है। तो हमारा वीडियो जो है फुल साइज हो चुका है। और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हमें सेकेंड वाले वीडियो पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑपेसिटी के कम बेस भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको ऑपेसिटी को एडजस्ट कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो हमारा इस प्रकार का हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हमें चाहिए बैकग्राउंड में म्यूजिक। तो दोस्तों, म्यूजिक के लिए आपको करना क्या, सिंपल आपको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद इसको वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें कैंची के निशान पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इस वीडियो से आइडियो को हमें रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आइडियो जो हमारा बाहर आ चुका है। इसके बाद हमें फिर से इस पे आइडियो वाले ऑप्शन पे दो क्लिक करके रखना है और इसके बाद इससे लास्ट तक लेकर चले जाना है। इसके बाद वीडियो वाले ऑप्शन को फिर से हमें डिलीट कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पर हमारा आइडियो भी ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, चलो मैं एक बार आपको सुना कर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो जो है पूरी तरह से हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हमारे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर से हमें वीडियो पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को हमें एक्सपोर्ट कर देना है। और जो वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से इस टाइप को वीडियो को आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।